हेलो एवरीवन। तो अभी मैंने स्टील वर्ड का हेलमेट मंगाया, तो आप देख सकते हो ये फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया मैंने, तो यहाँ पे कम्प्लीटली मेंशन किया, तो मेरा एड्रेस वगैरह भी मेंशन है। तो ये देख सकते हो यहाँ पे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। तो ये सेवन, इसका नेम बताऊँ तो मैं आपको, SBA 7 विंग्स करके नाम से है और ISI सर्टिफाइड है ये, ठीक है। और काफ़ी अच्छा हेलमेट है, ठीक है। स्टील वर्ड का पहले भी मैं हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा है। ये मैंने फादर के लिए ऑर्डर किया है, वो हेलमेट मेरा पर्सनली मेरे लिए था, ठीक है। तो वो भी पड़ा है मेरे पास में, तो अभी इसको अनबॉक्स करते हैं, मैं आपको कम्प्लीटली दिखा देता हूँ ये हेलमेट कैसा है। बट उससे पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ऐसी मैं काफ़ी सारी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखना। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो इसका कलर मैंने ब्लैक कलर ऑर्डर किया है और एक्सल साइज है इसमें शायद, हाँ। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साइज़ वगैरह साइड में मेंशन रहते हैं, जब भी आप इसको ऑर्डर करोगे तो यहाँ पे मेंशन रहता ही है कि कौन से नंबर का साइज़ आपके लिए आया है। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो मेंशन है कम्प्लीटली, और एक्सल साइज़ भी मेंशन है, मैन वूमेन दोनों के लिए ये। तो स्टील बर्ड का हेलमेट मैंने इसलिए चूज़ किया, कोज जैसे कि पहले यूज़ कर रहे थे स्टड वाला, तो उनकी मैंने रिव्यूज़ वगैरह देख रखे हेलमेट में, मतलब लो तो आपकी सेफ्टी होनी चाहिए, कोज कोई भी कल को दुर्घटना हो तो आपको लगनी नहीं चाहिए, मतलब फेस का काम तो बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है कि अगर फेस पे लग जाए, तो इसलिए एक अच्छा हेलमेट ही आपके पास होना चाहिए। जो स्टड वगैरह वाले रहते हैं उनके मैंने रिव्यू देखे हैं, हैमर वगैरह से मारते तो बीच में से आर पार ही हो जाता है, बट इसके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो ये रहा हेलमेट। सो अभी मैं भी फर्स्ट लुक देखने वाला हूँ इसकी कैसी है। तो इस वजह से ये हेलमेट आया था, तो आप देख सकते हो। तो फर्स्ट लुक में काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है, मतलब प्लेन ब्लैक में हेलमेट है ये और काफ़ी अच्छा है। ये इस वजह से डाउन हो जाता है और ये अप हो जाता है। तो ये भी इसकी जो विंडशील्ड आया थी ये भी काफ़ी अच्छी, ठीक है। ये आपको मतलब कोई ऐसा नहीं कि ये टूट जाएगी, ये इस पर स्क्रैच वगैरह आएंगे, अगर कोई एक्सीडेंट भी होता है तो ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इसकी। तो कंप्लीट रिव्यू चेक करने के बाद ही मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, और इसीलिए मैंने इसको ऑर्डर किया और आज मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ, ताकि मेरे अकॉर्डिंग भी कोई लेना चाहे तो ले सकता है इसको। तो यहाँ से इसको आप जैसे कि जो भी हवा वगैरह रहती है वो क्रॉस करे उसके लिए इसको ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो, इस वजह से रहता है, ठीक है। और यहाँ पे इस वजह से ये देखने को मिल जाता है आपको, इस वजह से ये, और ये इस वजह से बिल्कुल बंद हो जाएगा, ठीक है। बैक से आपको दिखाऊं तो यहाँ से भी एयर पास होती है और अप में भी दिया गया है। अगर आप इसको हटाना चाहो जैसे कि एयर वगैरह यहाँ से पास हो तो ये अप हो जाता है, ये देख सकते हो, ये चीज़ें यहाँ पर डाउन हो गई, अप हो गई, ठीक है। यहाँ से एयर पास होगी और यहाँ से भी होगी, तो काफ़ी अच्छे से मतलब इसमें एयर पास के लिए दिए गए हैं। और अगर कोई समर के लिए जैसे सोच रहे हेलमेट लेना है मुझे, तो ये हेलमेट काफ़ी बेस्ट रहने वाला है, क्योंकि काफ़ी गर्मी लग, दूसरे हेलमेट को बार बार उतारना पड़ता है तो गर्मी में। तो इस हेलमेट की मैं खासियत बताऊंगा आपको, तो सबसे पहले इसको हम हटा लेते हैं। तो ये देख सकते हो, ठीक है, इसको अपन ने रिमूव कर लिया और यहाँ पे पर्ची लगी हुई है, इसको रिमूव कर लिया, ठीक है। अब इसको ओपन करता हूँ मैं। यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिल जाती है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने जो हेलमेट ऑर्डर करना था वो ऑर्डर नहीं किया, मतलब वो है तो वही, बट इसमें क्या एक चीज़ एक्स्ट्रा आती थी, यहाँ से जैसे कि सनग्लासेस की तरह निकल जाता था, वो काफ़ी बेस्ट रहता था। अगर आपको जैसे कि बार काफ़ी ज़्यादा रूट पे रहते हो आप, तो उसको क्या डाउन कर सकते हो, अगर आपको जैसे कि सन वगैरह से प्रोटेक्शन मिल जाती है, सन की रेज काफ़ी ज़्यादा आइज़ में नहीं लगती आपकी, तो वो आया नहीं है। तो मुझे पर्सनली वही चाहिए था। अब इसका प्राइस की बात करें तो 1399 या 1350 के आसपास है, ठीक है, और उसकी प्राइस 1470 इसके आसपास थी। तो एक चीज़ एक्स्ट्रा मिल रही है तो वही लेंगे ना, तो इसलिए अभी मैं इसको रिप्लेस करूँगा या रिटर्न करूँगा, उसको ऑर्डर करूँगा, तो उसकी वीडियो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो अभी वही चीज़ मैं देख रहा था, मैं कह यार वो निकल नहीं रहा यहाँ से, तो क्या चीज़ देखने को मिल गई। बाकी ये हेलमेट अच्छा, अगर किसी को चाहिए सिंपल में हेलमेट चाहिए तो ये ले सकता है। तो ये देख सकते हो इसी वजह से, वो भी हेलमेट बिल्कुल सेम है, बस उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगी, वो भी आने वाली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीटली इस वजह से इसके बटन रहते हैं, अगर आपको चाहिए एयर पास हो तो यहाँ से पास होगी, ठीक है, बोलने करने के लिए, तो आप बोल सकते हो इजिली। इसको डाउन करके इस वजह से ये हेलमेट लगेगा, ठीक है।
और ये एक्सल साइज है, अभी आपको मैं वियर करके भी दिखाऊंगा। एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि अगर आप समर के लिए ये हेलमेट लेते हो तो काफ़ी अच्छा, अगर आप समर में काफ़ी ज़्यादा टूर वगैरह पे जाते हो, समर में पसीना काफ़ी ज़्यादा आता है, तो एक तो ये आपको पसीना नहीं आने देगा, शक करेगा, और एंटीबैक्टीरियल का काम भी करता है इसके अंदर जो दिए गए हैं कुशंस वगैरह है, और इसको आप वॉश भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, अलग भी हो जाते हैं। अब एक चीज़ ये है, इसको आप यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिल रहा है, इसको प्रेस करके इसको कम्प्लीटली आप ऊपर कर सकते हो, ये देख सकते हो। अब ये हेलमेट इस वजह से रह गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, वो सनग्लासेस की तरह रहता तो वो बाहर आया था तो काफ़ी सही था कि आपको मतलब आईज़ में मिट्टी वगैरह भी ना जाती और हवा भी कम्प्लीटली लगती, तो इसलिए मैंने बोला कि ये समर के लिए काफ़ी बेस्ट है, तो इस वजह से ये रह जाता है। अब क्या आप देख सकते हो, ये हेलमेट क्या कम्प्लीटली खुल गया और इसको इस वजह से आप पहन सकते हो, तो अब क्या कम्प्लीटली फेस पे हवा लगेगी, तो इस वजह से आप देख सकते हो। अब इसको डाउन करना है तो इस वजह से आप डाउन भी कर सकते हो, ठीक है, इसको अप किया तो इस वजह से ये हेलमेट है, काफ़ी सही लगा मुझे। कोस कैसे मर्जी आप इसको चेंज कर सकते हो, और साइड में देखोगे इस वजह से लुक देखोगे, बैक से देख सकते हो, तो ठीक है, इस वजह से अभी इस हेलमेट की लुक है। अब आपको इसको अगेंस्ट ऊपर करना है, पकड़ा तो ऊपर हो गया। अब इसको आप बांध के रखना है इस वजह से अच्छे से, ठीक है, ताकि हेलमेट गिरे ना आपका। अब इसमें क्या, अब ऐसे जाओगे आप तो क्या फुली हवा लगेगी आपके फेस पे, आपको लग रहा है कि यार गर्मी है, कहाँ मैंने हेलमेट पहन लिया, तो ये अब आपके झंझट नहीं रहने वाला इस हेलमेट को लेने के बाद, और स्ट्रॉन्ग भी है ये हेलमेट, कोई दिक्कत होती है कल को तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इंजरी वगैरह आएगी, हो सकता है वो आपके एक्सीडेंट पर डिपेंड करता है, बट ये हेलमेट काफ़ी अच्छा है। तो बस यही था इस हेलमेट का रिव्यू, ठीक है, काफ़ी अच्छा हेलमेट है, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, किसी को लेना है तो ले सकता है, ये चीज़ हल्की सी बैंड होती है, बट ये चीज़ यहाँ से पूरी स्ट्रॉन्ग है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यार इसको रिप्लेस करना है तो ऐसे ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते, अगलों का नुकसान थोड़ी करना है, तो इसको मैं वापस से लगा देता हूँ। और बस यही था इस हेलमेट का रिव्यू, अभी वो हेलमेट मैं ऑर्डर कर रहा हूँ इसको, ठीक है, इसका जस्ट रिटर्न लगा के वो हेलमेट ऑर्डर कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो उस पर कर देंगे, ठीक है। और जो मेरे पास दूसरा हेलमेट पड़ा है स्टील बर्ड का, वो भी वैसे तो चैनल पे वीडियो है, बाकी मैं वो भी दिखा दूंगा साथ में, वो काफ़ी ओसम हेलमेट है। तो इसको अगर आपको परचेज़ करना है, ये सेम हेलमेट परचेज़ करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंस्टा फॉलो कर लेना, कोई क्वारीज रहती तो आप मुझे यहाँ पर मैसेज करके पूछ सकते हो।